हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए जिन्होंने भी प्री डीएड का जो है एग्ज़ाम दिलाया था, प्री डीएड, डीएलएड और प्री बीएड के लिए, तो उनके लिए जो है आदेश जो है सूची आ गया है, साथियों निर्देश आ गया है कि डीएलएड के लिए, डीएलएड के लिए जो है किस तरह से जो है पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो है अपडेट आ गया है साथियों। तो देखिए यहाँ पर देखिए आवंटन सूची, जो कॉलेज का जो आवंटन है वो कब होगा साथियों, तो ये होगा 22 अगस्त 2024 को साथियों जो है जो कॉलेज है उसका जो है आवंटन हो जाएगा साथियों। और आप ये आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कौन से कैंडिडेट को, कौन से अभ्यर्थी को जो है कौन सा कॉलेज मिलेगा। उसके बाद जो है साथियों देखिए प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। और इसके लिए जो है साथियों यहाँ पर डेट जो है दिया गया है, देखिए 27 अगस्त से 5 सितंबर तक शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर, जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन को छोड़कर जो है 27 अगस्त से जो है 5 अगस्त सितंबर तक जो है आपका प्रवेश जो है चलेगा। आगे जो है देखिए रिक्त सीट रहने की स्थिति में द्वितीय सूची 11 अगस्त सितंबर को जो है आएगी। अगर कोई सीट जो है रिक्त रहता है, क्योंकि रिक्त रहेगी, इसका कारण क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र, और जो है आगे हम इन सब पर बात करेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, कई लोगों के पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहता है, कई लोग जो है वर्तमान में जो है कार्यरत नहीं, तो ये सब जो है अलग अलग जो है समस्याएं आती है। तो अगर सीट रिक्त रहता है तब क्या होगा, तो 11 सितंबर को फिर से जो है द्वितीय सूची आएगी और उसका जो प्रवेश है साथियों देखिए यहाँ पर 16 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक, तो ये जो है चलेगा साथियों। यहाँ पर भी देखिए मेंशन किया गया है कि शासकीय अवकाश दिवसों में सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी, तो इसका जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे अगर सीट रिक्त रहता है तो काउंसलिंग होगी, तृतीय काउंसलिंग, और अगर रिक्त नहीं रहता है तो जो है नहीं होगी। आगे देखिए साथियों महत्वपूर्ण निर्देश है यहाँ पर, देखिए चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें, आपको जाना पड़ेगा साथियों। और देखिए यहाँ पर जो डाइट कोरबा में, जो लोग कोरबा में जो है प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए जो है एक आदेश है कि वे अपना सत्यापन प्रवेश प्रक्रिया जो है कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में जाकर करें, तो इस तरह से जो यहाँ पर दिया गया है। आगे जो है देखिए काउंसलिंग, तीसरा पॉइंट है, काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हेतु अभ्यर्थी को समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की मूल तथा छायाप्रति लाना जो है अनिवार्य होगा। उसी तरह जो है चौथा पॉइंट है, काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया की तथा वांछित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़े और तदनुसार तैयारी के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होएं। देखिए साथियों क्या क्या जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा विस्तार से देखिए। देखिए यहाँ पर जो है डीएलएड प्रवेश के लिए सामान्य जानकारी, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लगेगा, तो चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त केंद्र पर जाकर अपना दस्तावेज सत्यापन कराएँ, तत्पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क का चालान बनवाएँ, दस्तावेज सत्यापन के पूर्व चालान बनवाकर न लाएँ। आपका पहले दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद ही आपका जो है चालान जो है वहाँ पर जमा होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए डीएलएड कार्यक्रम हेतु पात्रता, देखिए कौन कौन जो है इसमें प्राप्त जो है पात्र होंगे, तो इसमें जो है जो आपका यहाँ जो है कम से कम आपका 50% जो है आपका अंक होना चाहिए, आपका 12वीं में 50% होना चाहिए, और जो है जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी हैं और विकलांग, इनके लिए जो है 5% की छूट दी गई है, तो इनके लिए जो है 45% अंक जो है होना अनिवार्य है। उसी तरह जो है देखिए साथियों दूसरा पॉइंट है कि जो है दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये जो है अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। उसी तरह जो है आगे देखिए वर्तमान में जो है आप जो है कार्यरत होने चाहिए, तो ये सब जो है कंडीशन जो है यहाँ पर रखा गया है। आगे देखिए साथियों, देखिए अभ्यर्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेवें कि डीएलएड कार्यक्रम हेतु पात्र हैं, डीएलएड प्रवेश आवेदन के साथ ही किसी भी प्रकार की प्रमाण पत्र, छायाप्रति एवं मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, प्रवेश प्रक्रिया के समय सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे, सत्यापन के समय यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो गलत जानकारी देने के कारण उसे प्रवेश से वंचित किया जाएगा, प्रवेश के पश्चात यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा
तो निरस्त किया जाएगा तथा कोई भी शुल्क जो है वापस नहीं होगी। तो इन सब बातों का जो है ध्यान रखें साथियों। आगे देखिए कार्यक्रम में प्रवेश, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो कॉलेज हैं ठीक है ना, उसका जो है पूरा लिस्ट है साथियों यहाँ पर। तो देखिए कुल जो है डीएलएड के लिए जो है 2400 सीट है साथियों, और उसका जो है पूरा जो यहाँ पर सूची है आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या आप पंडित सुंदरलाल शर्मा की वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए साथियों ये जो है अलग अलग जो है कॉलेज अलग अलग सिटी में जो है इसका जो है पूरा यहाँ पर लिस्ट है साथियों। देखिए बिलासपुर, कोरबा, पेंड्रा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, रायपुर, भिलाई, उसी तरह राजनांदगांव, डोंगरगांव, खैरागढ़, अंबिकापुर, तो अलग अलग जो है जगहों पर है और उसका पूरा लिस्ट है। आगे जो है यहाँ पर फीस की बात करें तो देखिए हर साल का आपका 10,300 रुपये ही फीस लगेगा। तो दो साल का ये कार्यक्रम है तो लगभग 20,600 रुपये में आपका जो है पूरा डीएलएड जो है हो जाएगा। आगे देखें साथियों, आगे आपका जो है ये जो है दो वर्ष में जो है ये कंप्लीट होगा, अधिकतम 4 वर्ष। तो ये सब जो है कार्यक्रम की जो है अवधि है। आगे जो है देखिए यहाँ पर जो है और कुछ कुछ आदेश हैं जो ये सब आप जो है पढ़ लीजिएगा। आगे जो है देखिए दस्तावेजों की सूची, क्या क्या दस्तावेज लगेगा। तो देखिए यहाँ पर साथियों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती, जो आपने प्री जो एग्ज़ाम दिलाया है उसकी पावती, सीट आवंटन का पृष्ठ, जो पृष्ठ है उसको जो है प्रिंट निकलवा लीजिएगा। उसी तरह जो है देखिए सीट आवंटन का लिस्ट पृष्ठ आएगा उसको प्रिंट करवाइएगा। आगे जो है देखिए 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। उसी तरह जो है आगे अगर आप दिव्यांग हैं, अगर सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उसका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और 2 फोटो। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपका लगेगा। आगे देखिए फ्रेंड, आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो है यहाँ पर फार्मेट है, तो इसको जो है आप प्रिंट करवा लीजिएगा। इसी फार्मेट में जो है आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। देखिए प्रारूप क्रमांक 3, न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्रमाण। आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में आप जो है जिस भी स्कूल में आपने पढ़ाया होगा वहाँ के जो प्राचार्य है, प्रधानाध्यापक है, वहाँ से जो है ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह देखिए ये जो है ये 2 वर्ष का अनुभव जो आपने पढ़ाया है पास्ट में। आगे देखिए यहाँ पर जो है वर्तमान में आप वर्तमान में कहाँ कार्यरत हैं इसका जो है अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा साथियों। तो ये दोनों जो है बहुत ही अनिवार्य है, इसको जो है प्रिंट करवा लीजिएगा और जो है अच्छे से आप जो है बनवा लीजिएगा। आगे जो है यहाँ पर देखिए अगर आप अपना अध्ययन केंद्र को परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो वो जो है आपसी सहमति के दौरान काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद जो है कोई कार्यवाही नहीं होगी। उसी तरह देखिए अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाएगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य है। देखिए अगर 2 लोगों का सहमति बनता है तो आपसी सहमति से अध्ययन केंद्र जो है चेंज करवा सकते हैं। अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा, इसके लिए अन्य कोई विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये है साथियों। उसी तरह जो देखिए आपसी सहमति के लिए एक जो है फार्मेट है, तो ये भी जो है अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपका जो है आपके नज़दीकी कॉलेज में नहीं आता है तब की कंडीशन में आप आपसी सहमति करवा सकते हैं। उसी तरह आगे देखिए शपथ पत्र, ये देखिए साथियों इसको 10 रुपये के जो नोटरी में जो है शपथ पत्र करवा लेना है। आप जो है नज़दीकी शपथ करवा सकते हैं तहसील कार्यालय वगैरह में। तो ये जो है ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा साथियों, तो इसको जो है आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और जो है आपका जो आवंटन है 22 अगस्त को आ जाएगा, फिर जो है आप जो है प्रवेश प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। जानकारी आपको कैसे लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।